मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर का शहरियों को ऑनलाइन जालसाजों से मुहतात रहने का मशवरा। 2022 में रोमानवी फ्रॉड में कैनेडियन शहरियों को $59 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जालसाज जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। टोरंटो में वैलेंटाइन डे पर गर्मी का 39 साल रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। तेज हवाएं कमजोर तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कनाडा के बासर सियासतदान टोरंटो के मेयर का इस्तीफा रोकने के लिए मुतहरिक। डग फोर्ड क्रिस्टिया फ्रीलैंड का जॉन टोरी को इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। टोरंटो के निस्त से जायद शहरियों ने जॉन टोरी से इस्तीफे की मुखालफत कर दी। बाइडन इंतजामिया का यमनी हौसियों के लिए भेजा गया जब्त शुदा ईरानी असलहा कीव को भेजने पर गौर। अमेरिका शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को तरबियत दे रहा है। रूसी इंटेलिजेंस का कहना है कि अमेरिका ने दाइश और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुपों के 60 अस्करियत पसंदों को भर्ती किया है। तुर्किया शाम में तबाहकुन जलजले से अमवात 41,000 से मुतजावज। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेटो के वज़ीर दिफा के इजलास में जलजले के मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी। तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों के दरमियान 9वें दिन मलबे से 9 अफराद को जिंदा निकाला गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर वैलेंटाइन डे पर किसी खास शख्स की तलाश में रहने वालों को खबरदार कर रहा है कि वो ऑनलाइन डेटिंग में मोहतात रहें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर वैलेंटाइन डे पर किसी खास शख्स की तलाश में रहने वालों को खबरदार कर रहा है कि वो ऑनलाइन डेटिंग में मोहतात रहें। CAFC हुकाम का कहना है कि कुछ मामलात में प्रोफाइल तस्वीरें मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स या अदाकारों से चोरी की जाती हैं ताकि वो उस शख्स के लिए ज़्यादा पुरकशिश हो जाएं जिसकी वो स्कैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में मुख्तलिफ स्कीमों, घोटालों और सरमायाकारी की धोखाधही में कैनेडियनों को मजमूई तौर पर $530 मिलियन का नुकसान हुआ। कैनेडा में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला दूसरा नंबर रोमानवी स्कैंडल्स का है, जिसमें 1056 कैनेडियन मुतासरीन ने 2022 में $59 मिलियन का नुकसान किया। CAFC का तखमीना है कि सिर्फ 5-10% रोमानवी घोटाले मुतासरीन की तरफ से शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट किए जाते हैं, लिहाजा धोखाधही की मिकदार कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद है। धोखाधही करने वाले डेटिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ रवाबित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वो ताल्लुकात ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बिल आखिर आपके पैसे हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात पैसों की मांग महीनों के बाद आती है जब धोखेबाजों को मालूम होता है कि उन्होंने मुतासरीन के साथ जज्बाती ताल्लुक कायम किया है। हुकाम ने कहा कि स्कीमर्स अब टेक्स्ट जनरेटर्स, वॉइस सिमुलेटरों और डीप फेक्स का इस्तेमाल करते हुए मस्नूई ज़हानत के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आगे बढ़ना ऑनलाइन जानना और भी मुश्किल हो जाएगा कि असली क्या है और क्या नहीं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में बुध की दोपहर को तेज हवाएं चलने और दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है।
इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में बुध की दोपहर को तेज हवाएं और दर्जा हरारत देखने की तवक्को है जो मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू की तरह महसूस होती है। टोरंटो के साथ साथ हाल्टन, पील, डरहम और यॉर्क के इलाकों के लिए मौसम का एक खास बयान नाफिज है जिसमें बुध की सुपहर से तेज हवा के झोंके शुरू होने की इंतबाह शाम तक जारी रहने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि हवाएं 80 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती हैं और कमजोर तनसीब को नुकसान पहुंचा सकती हैं या दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा दिया गया है। इस हफ्ते GTA में मौसम बहार की तरह महसूस होने लगा है क्योंकि टोरंटो ने वैलेंटाइन डे के मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो इससे पहले 1984 में कायम किया गया था। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मंगल को टोरंटो पेरसन में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया जो 39 साल कबल 14 फरवरी को 8 सेंटीग्रेड के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गया। बुध के रोज दर्जा हरारत और भी बुलंद हो जाएगा जो कि दोहरे हिंसों तक पहुँच जाएगा जो तकरीबन 70 सालों में 15 फरवरी को गर्म तरीन हो सकता है। कनाडा के मुख्तदर हल्के टोरंटो के मेयर जॉन टोरी को मुस्ताफी होने से रोकने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुख्तदर हल्के टोरंटो के मेयर जॉन टोरी के मुस्ताफी होने से रोकने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड, नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड और टोरंटो पुलिस यूनियन ने टोरंटो के मेयर जॉन टोरी से रब्ता किया है और उन्हें मुस्ताफी ना होने की तरगीब दी है जबकि सिटी हॉल में कुछ काउंसलर्स की तरफ से एक तहरीक भी चल रही है जिसमें उन्हें अपने इस्तीफे पर नज़रसानी करने और उस पर कायम रहने की तरगीब दी गई है। एक चौंका देने वाले ऐलान में जॉन टोरी ने जुम्मे को रात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो कोविड के दौरान एक साबिक अमले के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ करने के बाद शहर के मेयर के ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। टोरी ने कहा कि मुबैना तौर पर 31 साल खातून के साथ ताल्लुकात 2023 के अवाइल में बाहमी तौर पर ख़त्म हो गए। इस वक्त टोरी ने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं ताकि वो अपनी 45 साल अहलिया बारबरा हेक्ट और अपने बाकी ख़ानदान के साथ ताल्लुकात को ठीक कर सकें। ताहम उनका ऐलान बुध को सिटी काउंसिल में बजट के मुज़ाकरात होने के साथ एक हंगामा खेज वक्त पर आया। जॉन टोरी ने तवक्को की जाती है कि वो सिटी काउंसिल की सिर्फ एक तिहाई हिमायत के साथ बजट को आगे बढ़ाने में मदद के लिए वीटो समेत इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। डग फोर्ड, फ्रीलैंड और पुलिस यूनियन ने उन पर जोर दिया कि वो इस स्कैंडल के टूटने के बाद मुस्ताफी होने पर नज़रसानी करें जिसने शहर के सियासी मैदान को हिला कर रख दिया। दरियासना फॉर्म रिसर्च का कहना है कि वो एक खुदकार सर्वे कर रहा है जिसमें पूछा गया है कि क्या टोरी को मेयर के तौर पर दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। 1042 रिहायशियों के बेतरतीब राय आमा के सर्वे ने इशारा किया कि सर्वे करने वालों में से 45% ये नहीं सोचते कि टोरी को इस्तीफ़ा देना चाहिए जबकि 43% के ख्याल में उसे चाहिए और 11% नहीं जानते। जॉन टोरी अक्टूबर में मेयर के दफ्तर में तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए, उन्होंने भारी अक्सरियत हासिल की। रूस ने कहा है कि अमेरिका शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को तरबियत दे रहा है ताकि वो रूस और साबिक सोवियत यूनियन में अहदाफ पर हमला कर सके। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस ने कहा है कि अमेरिका शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को तरबियत दे रहा है ताकि वो रूस और साबिक सोवियत यूनियन में अहदाफ पर हमला कर सके जबकि यूक्रेन को दिफाई तौर पर मजबूत करने के लिए जो बाइडन इंतजामिया यमनी हौसियों के लिए भेजा गया ईरान का जब्त शुदा असलहा कीव को भेजने पर गौर कर रही है। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जिसकी सरबराही सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी कर रहे हैं ने मजीद कहा कि उसके पास मालूमात थी कि दाइश और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुपों के 60 अस्करियत पसंदों को भर्ती किया गया था और वो शाम में अमरीकी अड्डे पर तरबियत हासिल कर रहे थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज दाइश के शिद्दत पसंदों को रूस और साबिक सोवियत यूनियन में अहदाफ पर हमला करने की तरबियत दे रही है। एजेंसी के जारी एक बयान में कहा गया है कि तरबियत पाने वाले इन अस्करियत पसंदों को सिफारतकारों, सरकारी मुलाजमीन, कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और मुसल्ह अफवाज के खिलाफ दहशत गर्दाना हमलों की तैयारी और उन्हें अंजाम देने का काम सौंपा जाएगा। तहम एजेंसी ने अपने दावे के सबूत में इंटेलिजेंस मालूमात को शाया नहीं किया है। वाजह रहे कि रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी सोवियत दौर में के GB का हिस्सा थी। इस एजेंसी के सरबराह सरगई नारिशकन थे। सरगई नारिशकन ने गुज़िश्ता साल अंकारा में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न से मुलाकात की थी। दूसरी जानब यूक्रेन को दिफाई तौर पर मजबूत करने के लिए जो बाइडन इंतजामिया यमनी हौसियों के लिए भेजा गया ईरान का जब्त शुदा असलहा कीव को भेजने पर गौर कर रही है। अमरीकी हुक्काम की जानब से यूक्रेन को 5,000 से ज्याद राइफलें, छोटे हथियारों की 16 लाख गोलियां, टैंक शिकन मिसाइल और हालिया महीनों में स्मगलर से पकड़े गए
7,000 से زائد فیوز کیف کو بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ضبط شدہ ہتھیاروں کو یوکرین منتقل کرنے کا قانونی جواز تلاش کرنا بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایسے ضبط شدہ ہتھیاروں اور گولہ بارود کو تباہ ذخیرہ یا ٹھکانہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والے 7.8 شدت کے تباہ کن زلزلے سے اموات کی مجموعی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی اور شام میں آنے والے 7.8 شدت کے تباہ کن زلزلے سے اموات کی مجموعی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ترکیہ میں ہلاکتوں کی تعداد 35,418 ہے، جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد 5,814 تک پہنچ گئی ہے، جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد 41,232 ہو گئی ہے اور 150,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں زلزلے سے اموات 35,418 ہو گئی ہیں، 22,00,000 سے زائد افراد ترکیہ کے زلزلہ متاثرہ علاقوں کو چھوڑ چکے ہیں، ملبے سے آخری شخص کو نکالنے تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ ترک شہر انطاکیہ میں 208 گھنٹوں بعد ملبے سے 65 سالہ شخص اور 15 سالہ لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں کے درمیان 9 دن ملبے سے 9 افراد کو زندہ نکالا گیا۔ دوسری طرف شام میں زلزلے سے اموات 5,800 سے زائد ہو گئی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجا گیا امدادی سامان، میڈیکل اور ریسکیو ٹیمیں دمشق پہنچ گئی ہیں۔ ترجمان NDMA کا کہنا تھا کہ PIA کی پرواز آج بھی 6.7 ٹن خیمے لے کر اسلام آباد سے ترکیہ روانہ کی گئی۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امدادی سامان اور ٹیمیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے خصوصی چارٹر طیارے کے ذریعے دمشق بھیجی گئی۔ نیٹو کے وزرائے دفاع کا اجلاس ترکی میں گزشتہ ہفتے کے زلزلے کے متاثرین کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ شروع ہوا۔ 2 روز نارتھ اٹلانٹک کونسل کے اجلاس کے آغاز سے پہلے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹن برگ نے دفاعی سربراہان سے کہا کہ ہمارے اتحادی ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ انہوں نے زلزلے کے تمام متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا اور ترکی کو نیٹو کی حمایت کا یقین دلایا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔